Hey everyone, welcome to Shom's IAS. I am Shivangi Sharma and here I am with chapter 8 of the Virisim book, which is our past of class 6. And here is the chapter which is villages, town and trade. So in this chapter mein basically hum hamare past mein kaise villages, towns and trades bane wo hum basically discuss karne wale hain. Usse pehle hum Prabhakar ke bare mein pad lete hain, theek hai? सो प्रभाकर है एक ब्लैक स्मिथ की शॉप में, ठीक है? तो जो प्रभाकर है वो स्मिथ को देखता है अपने लोकल शॉप में. वहाँ पर स्मॉल बेंच के ऊपर बहुत सारे आयरन के टूल्स रखे हुए हैं, जैसे एक्सेस एंड सिकल्स, जो कि बेचने के लिए हैं, ठीक है? और एक बहुत ही ब्राइट फायर जल रही है जिसमें जो मतलब और दो मैन जो दो लोग हैं वो हीटिंग और मेटल को बीटने का काम कर रहे थे. देखते ना मेटल को कितना पीटा जाता है ताकि उनको मतलब शेप में लाने के लिए जब वो गर्म हो जाती है. ये बहुत ही हॉट और बहुत ही नॉइजी भी है और ये देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है? सो देखते हैं आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर. सॉरी, तो आयरन का यूज़ आज से करीब करीब 3000 ईयर्स अगो शुरू हुआ था. और जो सबसे बड़े आयरन के कलेक्शन में हमें कुछ टूल्स और वेपन्स मिले डेट वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा, राइट? सो आज से करीब करीब 25 ईयर्स अगो इन आयरन टूल्स के मतलब इसका यूज़ ग्रो मतलब कि आयरन टूल्स का जो यूज़ है वो बढ़ता गया, इसके हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है? इसमें एक्सिस का यूज़ होता था फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए और आयरन का यूज़ होता था, ठीक है, क्लोशर बनाने के लिए. हमने जैसे चैप्टर 5 में पढ़ा कि इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट है ना आयरन की टूल्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे लोगों ने. उसके बाद वन स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, डैट इज इरीगेशन, ठीक है? जब नए टूल्स यूज़ हो रहे थे ट्रांसप्लांटिंग के लिए तब प्रोडक्शन और इरीगेशन भी यूज़ होता था, ठीक है? इरीगेशन उस टाइम पे कैसे बढ़ा, डेट बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम इंक्लूडेड कैनाल, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, राइट? यही चीज़ें होती थी उस टाइम पे इरीगेशन के लिए. उस टाइम पे अगर हम देखें तो उस टाइम पे लोगों ने और इरीगेशन के लिए फैसिलिटीज लाई ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हाँ और ज़्यादा वो बने, मतलब क्योंकि टैक्सेस भी उस हिसाब से पे करना था तो उसके लिए फार्मर्स ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ किया. उसके अलावा किंग्स ने भी मनी और प्लान प्रोवाइड किया इरिगेशन के लिए, ठीक है? सो हु लिव्ड इन द विलेजेस? देखो मतलब कम से कम तीन डिफरेंट काइंड के पीपल रहा करते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विलेजेस में, चाहे वो सदर्न हो चाहे नॉर्दर्न पार्ट हो सब कॉन्टिनेंट का. तो अगर हम तमिल रीजन में देखें तो जो बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स थी उनको वेलालर बोला जाता था और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन थे उनको बोला जाता था उझावर. उसके अलावा जो लैंडलेस थे जिनके पास लैंड ही नहीं थी जिसमें स्लेव्स वगैरह इंक्लूड होते उनको बोला जाता था कदाई सियार या फिर अदीमई. ओके, सो और नॉर्दर्न पार्ट में अगर हम जाए कंट्री के तो जो किसी भी विलेज का जो हेड मैन होता है उसको ग्राम भोजका का नाम दिया गया, ठीक है? और इस पोस्ट में क्या होता था, बेसिकली ये हेरिडिटरी पोस्ट थी, मतलब पहले ग्रैंडफादर फिर फादर फिर सन, ऐसे 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 वो चलता जा रहा था, फिर उसका सन ऐसे ऐसे, मतलब इट वॉज अ हेरिडिटरी पोस्ट, ठीक है? जनरेशन के अकॉर्डिंग ये चलती आ रही थी. तो जो ग्राम भोजका होते हैं वो सबसे बड़े लैंड ओनर होते हैं विलेज के, ठीक है? उन वो स्लेव्स को यूज़ करते हैं अपनी मतलब स्लेव को हायर करते हैं अपनी लैंड में कल्टीवेट करने के लिए. उसके अलावा वो पावरफुल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं पर्टिकुलर विलेज में. तो फिर किंग उनको 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 मतलब काम करते उनको उनको एक वो दे देते थे कि वो उनसे टैक्स मतलब विलेज में टैक्स वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो उसके अलावा वो कभी कभी एज अ जज और कभी कभी एज अ पुलिसमैन भी वो फंक्शन करते थे, ठीक है? ग्राम भोजका के अलावा जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे उनको बोला जाता था गृहपतिस, ठीक है? और मतलब बेसिकली ये स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे. और
जो मेन और वुमेन जो कि लैंडलेस थे, जिनके पास कोई लैंड नहीं थी, जो दूसरों की फील्ड में काम करते थे, उनको दास और कर्मकार, दास कर्मकारा का नाम दिया गया, ठीक है। ज़्यादातर विलेज में जो क्राफ्ट पर्सन थे, जैसे ब्लैक स्मिथ, पोटर्स, कारपेंटर, वीवर्स, ठीक है, ये भी विलेजेस में देखने को मिलते थे। अब हम पढ़ते हैं कॉइन्स। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि जो कॉइन्स है वो काफ़ी, मतलब काफ़ी सेवरल थाउजेंड ईयर्स से हमें देखने को मिलते हैं कॉइन्स, ठीक है। अगर हम देखें जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन्स था, डैट वर इन द यूज़ अबाउट 500 साल से पहले, ठीक है, जिसमें कुछ पंचमार्क कॉइन्स थे जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। सिटीज विद मैनी फंक्शंस। देखो, वेरी ऑफन एक सिंगल टाउन का इम्पोर्टेंट, एक मतलब जो भी एक सिंगल टाउन है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता था ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस, ठीक है। अगर हम मथुरा का एग्जांपल ले तो मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रह चुका है 25 ईयर्स से भी ज़्यादा, 2500 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो मेजर रोड, जो दो मेजर रूट्स हैं वो क्रॉस करती है, विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ओके। उसके अलावा इसमें काफ़ी श्राइन्स भी देखने को मिलते हैं हमें, फार्मर्स भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा मथुरा एक सेंटर है जिसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, काफ़ी फाइन स्कल्पचर्स है। अगर आज से हम 2000 साल पहले देखें तो मथुरा कुशाणास की सेकंड कैपिटल बनी, ठीक है। मथुरा रिलीजियस सेंटर भी है, वहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, जैन श्राइन है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कृष्णा का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर है वर्शिप का मथुरा में, है ना। मथुरा में कृष्णा का एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेंटर है फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। उसके अलावा मथुरा में बहुत स्टोन के स्लैब्स और स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली गिफ्ट गिफ्ट थे जो मैन और वो समटाइम वुमेन्स ने मोनेस्ट्रीज या श्राइन्स में गिफ्ट करे थे, ओके। दीज वर मेड बाई किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन हु लिव इन द सिटी। जैसे मथुरा में गोल्ड स्मिथ्स का बहुत मेंशन किया गया है, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, ब्लैक स्मिथ हो, वीवर्स, बास्केट मेकर, गार्लेंड्स मेकर और परफ्यूमर्स, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से काफ़ी फेमस है मथुरा, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड का काफ़ी काम देखने को मिलता है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ्स का भी हमें वहाँ पे काम देखने को मिलता है, बहुत अच्छी वीविंग है उधर। उसके बाद बास्केट्स के लिए फेमस है, फिर गार्लेंड मेकर। गार्लेंड क्या होता है? गार्लेंड इज़ द फूलों का जो हार होता है, ठीक है, डैट इज़ गार्लेंड। गार्लेंड मेकर्स भी है वहाँ पर, और उसके अलावा वहाँ पर परफ्यूमर भी है, ठीक है, परफ्यूम्स भी फेमस है परफ्यूम के लिए भी मथुरा। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को क्राफ्ट्स का भी काफी एविडेंस हमें मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, राइट। जो इतनी फाइन पोटरी की जाती थी, जिसमें बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन पोटरी, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उस पर काम किया जाता था, डैट वॉज नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, NBPW। सो इट वॉज अ इट इज़ अ हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सर्फेस, ठीक है, एक शाइनी ब्लैक सर्फेस होता है उसका। उसके अलावा जो पॉटर है वो जो अर्दन वेयर है उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब जब तक उसका जो आउटर सर्फेस है उसको इतना हाई टेम्परेचर में रखते हैं कि उसका जो आउटर सर्फेस है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है, और जो एक फाइन ब्लैक स्लिप उसमें बन जाती है वो पॉटरी को एक मिरर लाइक शाइन देती है, ठीक है। उसके अलावा क्लॉथ्स का मैन्युफैक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाराणसी, नॉर्थ की जो वाराणसी है और साउथ में मदुरई, यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों ही इन सेंटर्स में काम करते हैं, ठीक है। जो मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्राइन्स। तो श्राइन्स में क्या होता था, बेसिकली क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स एक ग्रुप बना देते थे, एक एसोसिएशन बना देते थे, जिसमें वो सिखाया करते थे, वो ट्रेन भी करते थे, फिर रॉ मटेरियल को प्रोक्योर भी करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, ठीक है। तो जो श्राइन्स थे उनको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन वो बना फॉर द ट्रेड। उसके अलावा
जो श्राइन्स थे उनको एज अ बैंक भी सर्व किया गया, जहाँ पे रिच मैन और जो वुमेन थी वो डिपॉजिट, रिच मैन एंड वुमेन यूज टू डिपॉजिट देयर मनी, और वो इन्वेस्ट हो जाया करता था, ठीक है। और जो इंटरेस्ट बनता था वो या तो रिटर्न हो जाता था, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मोनेस्ट्री जैसे इंस्टीट्यूशन में, मतलब दान कर दिया जाता था, यूज टू सपोर्ट देम, ठीक है। क्लोजर लुक टू अरिकमेडु, अरिकमेडु पुडुचेरी, पुडुचेरी में है। सो बिटवीन 2200 से लेके 1900 साल पहले अरिकमेडु एक कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे शिप अनलोड किए जाते थे गुड से, मतलब गुड से अनलोड किए जाते थे फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड। तो एक काफ़ी मैसिव ब्रेक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी बेयर हाउसेस भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसमें जो वो मेडिटेरियन रीजन है, उधर हमें बहुत ही पॉटरी भी देखने को मिलती है, जैसे कि एम्फोरे, जो कि एक टॉल डबल हैंडेड जार होता है डैट कंटेन्स लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। समझ रहे होंगे आप, एक डबल हैंडेड एंड अ टॉल जार, ठीक है। उसके अलावा एक स्टाम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, जिसको एरेटीन वेयर भी बोला जाता है, जिसको इटली के नाम पे द नेम विच इज नेम्ड आफ्टर द सिटी इन इटली, ओके। इटली में एक सिटी है जिसके नेम जिसके नाम पे इसको नाम मिला गया है। उसके अलावा एक और तरह की पॉटरी हमें देखने को मिलती है, जिसमें रोमन डिजाइन्स यूज किए जाते हैं, जैसे रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ठीक है। ये भी ऐसी जगहों पे हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा स्मॉल टैंक्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उसमें कलर था, ताकि उसको प्रोबेबली डाइंग वैट्स, जिसको डाइंग जिनमें मतलब क्लोथ को डाई करने के लिए ना, कलर करने के लिए उसमें रखा जाता था, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही प्लेनिटी हमें प्लेनिटी मिलती है, बीड्स और जो प्रीशियस स्टोन्स और ग्लासेस है, ठीक है, उनकी भी हमें यहाँ पे बहुत ही वो मिलती है। ट्रेड एंड ट्रेडर्स, तो जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है जिनके बारे में हमने पढ़ा, दिस वाज अ फाइन पॉटरी, ठीक है, जो कि बाउल्स और प्लेट्स में स्पेशली देखने को मिलती थी, जो कि मतलब सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स में मिला है थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो ट्रेडर्स है, मतलब आपको कैसे लगता है कि वो इन जगहों पे पहुंची, बिकॉज ट्रेडर यूज टू कैरी देम, मतलब दे हैव कैरीड देम फ्रॉम प्लेसेस, जहाँ जहाँ वो जाते थे और बनाते थे, वहाँ वहाँ उसको ले जाके, मतलब जहाँ वो बनाते थे दूसरी जगह में लाके उसको बेच दिया करते थे, ठीक है। और साउथ इंडिया काफ़ी फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, स्पेशली पेपर, पेपर की स्पाइस के लिए और प्रीशियस स्टोन्स। उस टाइम पे पेपर को कंसिडर किया जाता था एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। रोमन एम्पायर में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई थी पेपर को, एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो फिर जो ट्रेडर्स थे, मतलब वो रोम, जो रोम के शिप्स थे उसमें, मतलब रोम में काफ़ी ट्रेड हुआ करता था हमारा, ठीक है, अक्रॉस द सी एंड लैंड बाय कारवास, ओके। सो यस, उसके बाद जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफ़ी सी रूट्स को भी एक्सप्लोर किया, जिससे अगर उनको वेस्टर्न कोस्ट जाना है ईस्ट अफ्रीका से या अरेबिया से, तो उन्होंने काफ़ी सेल बना दिया था उस टाइम पे, वाटर से, पानी से ज़्यादा मतलब ट्रैवल किया जाता था। उसके अलावा नए किंगडम्स बनाए गए अलोंग द कोस्ट। तो जो सदर्न हाफ था कॉन्टिनेंट का, उसको कोस्ट लाइन हिल्स और प्लेट्यूज और रिवर वैली से मेंशन किया गया था, ठीक है। उसमें भी जो रिवर कावेरी का जो वैली था वो सबसे फर्टाइल था, तो उस एरिया पे जो भी चीफ्स और किंग्स थे जो उस वैली को कंट्रोल करते थे, वो और ज़्यादा रिच और पावरफुल हो गए, बिकॉज उनको और ज़्यादा टैक्स मिलने लग गया। उसके अलावा संगम पॉइंट्स है, जो कि मवंदार में मेंशन किया गया। तो इस तमिल वर्ड का बेसिकली मतलब होता है तीन चीफ्स। तो इधर तीन रूरल फैमिलीज, रूलिंग फैमिलीज हुआ करती थी, डैट वॉज द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास, ओके। सो उस टाइम पे ये तीन जो फैमिलीज थी वो ज्यादा इसमें आई, ठीक है, पावर पे आई। उसमें भी तीन चीफ के, दो सेंट्रल, उनमें से भी दो के जो है वो सेंटर ऑफ पावर थे, ठीक है, इनलैंड भी और ऑन द कोस्ट, इनलैंड एंड ऑन द कोस्ट। उसमें से जो पूहर, सिक्स सिटीज में से टू वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, पूहर और कवेरी पट्टनम इन द पोर्ट ऑफ चोलास और मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास, ठीक है। जो चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट किया करते थे, उसके अलावा वो पीपल जो उनके लोग थे उनसे गिफ्ट डिमांड करते थे और रिसीव भी करते थे। वो मिलिट्री एक्सपेडिशन में भी जाते थे। उसके अलावा जो नेबरिंग एरियाज है उनसे भी ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे।
जो उनकी वेल्थ थी उनको किसी को वो बचा के रख लेते थे और किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अमंग देयर सपोर्टर्स, जिसमें उनकी फैमिली भी इंक्लूडेड होती थी। ठीक है, लगभग 200 साल के बाद जो डायनेस्टी है वो वेस्टर्न इंडिया की, वो सतवनास में ज़्यादा पावरफुल आ गए। जो सतवनास थे वो ज़्यादा पावर में आ गए। उसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, डैट वॉज द गौतम पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, उनके बारे में हमें पता चला बिकॉज ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो कि उनकी मदर की बिहाफ पे कंपोज किया गया था, डैट वॉज गौतमी बालाश्री। ठीक है, उनके मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। तो वो और सतवना के जो भी रूलर्स थे उनको दक्षिणा पथ के लॉर्ड कंसीडर कर दिया गया, बिकॉज जो सारे रूट्स थे साउथ के लिए उन पूरे को सदर्न रीजन के नाम पे, मतलब उनको यूज किया जाता था उस टाइम पे। ठीक है, सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक दैट। सो यस, थैंक यू वेरी मच।